हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने है एक हैंकी, प्लास्टिक वॉच, वाटर, विम्बर एंड स्क्रबर। आज हम आपको इस वीडियो में इस वॉच का स्ट्रैप क्लीन करके दिखाएंगे। इसके आप कंडीशन देख सकते हैं, ये यूज्ड स्ट्रैप है। एक्चुअली मेरे पास एक ही ऐसे ही कंडीशन का स्ट्रैप था, बाकी सभी बिल्कुल फ्रेश और ब्रांड न्यू है। तो मैं आज आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगा। घर पे आप अपनी किसी भी आई वॉच या फिर किसी भी प्लास्टिक की वॉच जिसमें फाइबर का स्ट्रैप आता है, आप उस स्ट्रैप को घर बैठे क्लीन कर सकते हैं बड़े ही इजीली और बड़े ही सिंपल सॉल्यूशन से। सबसे पहले एक स्क्रबर ले लीजिए, नॉर्मल स्क्रबर है, कोई किसी कंपनी का नहीं है, मैंने जस्ट वॉच का ही जो पैकिंग होता है उसमें से निकाला है। ये स्क्रबर लिया, वाटर में इसे डिप कर लिया। वाटर में डिप करने के बाद हल्का सा कोई भी डिश बार ले लीजिए, इसे थोड़ा सा यहां पे लगा लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपने, यहां से आपका स्ट्रैप गंदा है, ये साइड से आपके स्ट्रैप को आपने क्लीन करना है, या वैसे तो दोनों साइड से करना होगा। आप इसे हल्का हल्का रब करते रहिए, तो आप स्क्रबर कोई स्पेशल नहीं लेना, ये किसी की ब्रांड के बाद आपको ये कॉटन का कपड़ा लेना है और इसको रब करना है। इसे एक से दो बार कंटिन्यूअसली ऐसे ट्राई करते रहें, 4-5 मिनट। जो निशान इंटरनली, क्योंकि फाइबर के स्ट्रैप में क्या होता है कि ये अंदर की तरफ भी सोख लेता है इसको, जो निशान इंटरनली होते हैं वो मुश्किल है कि निकल पाए, लेकिन जो आपका स्ट्रैप ब्लैकिश हो रखा होता है या फिर स्ट्रैप की फिनिश जा चुकी होती है वो वापस आने के चांसेस होते हैं। आप इसे कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से रब आउट करें। ये देखिए, ये रफ साइड अभी भी पेंडिंग है। ऐसे ही आप भी ट्राई करके देखिए, 5-7 मिनट कंटिन्यूअसली इसको साफ करना है। वो थोड़ा सा अगर वार्म वाटर हो, यानी थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा गर्म हो, उसे अच्छी तरह से रब आउट करें, या फिर इसमें पहले से आप किसी डिश बार को मिक्स कर लें और उसे थोड़ा सा वार्म आउट कर लें और उसे स्क्रब के साथ अच्छी तरह से जिस स्ट्रैप को आपने क्लीन करना है उस पर अच्छी तरह से रब आउट करें। इसे बाद में कॉटन के कपड़े के साथ क्लीन कर लीजिए। 100% नहीं कह सकता, पर 95% आपका जो स्ट्रैप है क्लीन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इसे घर पे ट्राई करें, आपके स्ट्रैप की लुक नए जैसी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।